हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप है सब अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बिल्कुल एक नई रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। उसका नाम है चिकन लॉलीपॉप। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लेग पीस ले लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इनको मैं सबसे पहले मैरिनेशन कर लूँगी। मैरिनेशन करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी, और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी 20 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा इसकी जो मैरिनेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। और मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो मैं फ्रेशली बना रही हूँ घर पर, तो आप चाहो तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो इस तरह से जैसे कि देख सकते हो आप, तोड़ तोड़ के अपने पैन में डालना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। और क्रिस्पी होने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये ठंडे हो गए हैं, और अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूँगी। और ग्राइंडर में डालने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो ब्रेड क्रम्स से वो बन के रेडी हो गया है। ऐसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, अगर मार्केट से नहीं लेना चाहते हो तो घर पे भी आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये पैन ले लिया, और मैं पैन में ब्रेड क्रम्स जो है उसको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे, और इससे क्या होगा ये और ज़्यादा जो है क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। तो जैसे कि देख सकते हो आप, इसको इस तरह से आपने थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करने के बाद फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से पैन ले लिया, और अब मैं पैन में ऐड कर रही हूँ तेल। और तेल ऐड करने के बाद हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और फिर वो जो मैरिनेशन करने के लिए चिकन रखा था ना, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और ये लहसुन है, और लहसुन और चिकन को हम यहाँ पे दोनों को मिक्स करके फ्राई करेंगे। तो ये मैंने लहसुन और चिकन दोनों डाल दिए, और इनको मैं अच्छे से यहाँ पे कुक कर लूँगी, ताकि चिकन जो अच्छे से कुक हो जाए और इसमें बिल्कुल कच्चापन ना रहे। तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, उससे क्या होगा जो ये चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, और मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर चिकन जो वो जल्दी कुक हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप, मैं बीच बीच में खोल के भी देख रही हूँ कि चिकन जल तो नहीं रहा है, तो इसको बीच में आपने चेक करते रहना है। तो चिकन जो है यहाँ पे कुक हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी, और जो लहसुन है उनको भी बाहर निकाल दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, चिकन को ना मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इनको इसकी जो बोन है उससे इसको सेपरेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये एग ले लिया है, और एग का मैं यहाँ पर मिक्सचर बनाऊँगी। एग को मैंने यहाँ पे तोड़ के इसको एक बाउल में ऐड कर दिया, और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, और ऐड करूँगी साथ में मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और फिर इसको फेंट के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको अच्छे से फेंटना है और मिक्स कर लेना है, और इसका अच्छे से एक मिक्सचर बना लेना है। तो ये अच्छे से फेंट कर लिया मैंने, और इसका एग का जो मिक्सचर है वो बन गया। तो और हमारा जो चिकन रखा था मैंने दूसरी साइड, तो चिकन जो वो ठंडा हो गया, और मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया, और जैसे कि देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने लिया आलू, और अब यहाँ क्या करना है ना, आलू चिकन और लहसुन इन सबको एक साथ ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट बना लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, अब मैं इन सबको डाल दूँगी ग्राइंडर में, और फिर इनको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो ये मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया है, अब मैं इनको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो फिर ऐसे गोल गोल करके आपने राउंड राउंड करना है, और फिर इसके अंदर कटोरी की जैसे बना लेना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़ को ऐड करना है। अच्छा, चीज़ जो वो ज़्यादा ऐड करेंगे, और चीज़ से क्या होगा ना, जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए चीज़ जो हम ज़्यादा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो चीज़ ऐड करने के बाद अब मैंने जो बोन रखी थी ना सेपरेट करके, उनको मैं इसमें ऐसे लगा दूँगी लॉलीपॉप की तरह, जैसे कि देख सकते हो आप। बस इसी तरह से आपने इसको हल्के हाथों से दबा के
लगा लेना है अच्छे से। तो ऐसी सेम प्रोसेस में नेक्स्ट को भी कर लेना है, ऐसी एक कटोरी की तरह राउंड बना लेना और उसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे, और चीज़ ऐड करने के बाद फिर जो बोन रखी है उसको ऐसे अंदर से लगा लेना है और इसको अच्छे से हाथ से दबा के लॉलीपॉप की तरह इसको हम राउंड कर लेंगे। तो देख सकते हो आप इस तरह से अभी थोड़े से बन गए हैं। अब क्या करना है, अब मैं इसको कोटिंग करूँगी। सबसे पहले जो ये मैदा है ना, मैदे से कोटिंग करनी है, और मैदे से कोटिंग करने के बाद क्या करना है, इसको ना हमने जो एग का मिक्सर बनाया ना उसमें इसको डिप करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोटिंग करने के बाद इसको इसमें डिप कर दिया है, और डिप करने के बाद क्या करेंगे, फिर से अगेन इसको कोटिंग करेंगे मैदे की, और फिर से इसको अगेन डिप करेंगे। मीन्स हमने तीन बार इसको मैदे की कोटिंग करनी है, और फिर चौथी बार जो कोटिंग होगी ना उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये चौथी बार हमारी आ गई है। तो अब क्या करना है, अब ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी इसमें, जो कि लास्ट कोटिंग है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है, तो अच्छे से कर लेनी है अपने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। तो वैसे ही दूसरे की भी सेम कर रही हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो गई है, तो हमारे चिकन लॉलीपॉप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हमने फ्राई करने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं ये, तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो इनको मैंने डीप फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था पहले से ही, तो तेल जो वो गर्म हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसको लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि ये अंदर मतलब जले ना बाहर से, और अंदर से ये कच्चे ना रह जाएँ। अगर हम इनको फुल फ्लेम पे करेंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये जल जाएंगे, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे ही डीप फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हमें इसको करना है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत इजी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, और अपनी फैमिली को भी इस रेसिपी को बना के खिलाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस इसी तरह से इसको पलट लेना है हमने। तो जैसे कि देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर जो है वो आ गया है डीप फ्राई होने के बाद, और बस इसको हम अब सर्व कर देंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।